नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुख करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शिष्टाचार भेंट की। दोनों के बीच उत्तराखंड के ताजा राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों नेताओं ने राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर भी मंथन किया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों को लेकर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से चर्चा की। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और काफी करीबी माने जाते हैं भगत सिंह कोश्यारी के सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने अमित शाह से राज्य के कुमाऊं मंडल में एम्स की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय की स्तर से सत्वी किए जाने का अनुरोध किया है। और उन्होंने अमित शाह से देहरादून में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना किए जाने को लेकर भी चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करके सामरिक महत्व को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन ब्रॉडगेज को सस्ती करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने जखोली रुद्रप्रयाग में स्वीकृत सैनिक स्कूल की अवस्थापना सुविधाओं के लिए एमओयू में संशोधन करते हुए केंद्रीय सहायता का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात करके राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की भूमि और उत्तराखंड की भूमिका और इस विषय से जुड़ी चुनौतियों के बारे में भी व्यापक चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है दौरान और सामरिक महत्ता को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए उनके स्तर से रेल मंत्रालय को संशोधित करने का भी आग्रह किया। बीस अगस्त को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हो चुका है। और दौरे की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि 20 अगस्त को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंतनगर एयरपोर्ट पर सुबह 11 बजे पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से लेकर हल्द्वानी के अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा। इस बीच तकरीबन 12:30 बजे जेपी नड्डा हल्द्वानी पहुंचेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा हल्द्वानी में ही अल्प विश्राम भी करेंगे। लगभग 10 रोजे कार्यक्रम है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और मेयर हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारी कोर कमेटी है, हमारी टोली की बैठक है, हमारे अन्य कार्यक्रम हैं, सैनिकों के साथ संवाद है, संतों के साथ आशीर्वाद का कार्यक्रम है। इसी के लगभग 10 रोजे कार्यक्रम है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और मेयर हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारी कोर कमेटी है, हमारी टोली की बैठक है, हमारे अन्य कार्यक्रम हैं। सैनिक भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने देहरादून में प्रेस वार्ता करके नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध जताया। साथ ही राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। टिकैत ने कहा कि कानून वापस नहीं लिए जाने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू करते हुए ट्रांसपोर्ट कारोबार पर सब्सिडी देने की भी मांग की। टिकैत ने कहा कि चीन बॉर्डर के लगे गांवों को अलग जोन बनाने और संरक्षण के लिए अलग नीति बनाई जाए। टिकैत ने प्रदेश में हिल पॉलिसी लागू करने की भी पैरवी की। हमारा चाइना बॉर्डर लगता है, इंटरनेशनल जो बॉर्डर लगते हैं उस पे रहने वाले लोग जो जिस तरह से जोनसार बावर क्षेत्र है उसी तरह के वहां पे भी वो पूरा पूरा एक जोन बना जाए जिससे लोग वहां के वहीं रुक जाएंगे। एक है कि हिल पॉलिसी, अगर कोई प्लेन का आदमी पहाड़ पे नौकरी करता है तो उसको हिल्स अलाउंस मिलता है, लेकिन पहाड़ पे रहने वाले लोगों को कोई हिल अलाउंस नहीं मिलता। ये अगर 4-5 पॉलिसी यहाँ पर हो जाएगी तो पहाड़ का किसान प्लान नहीं करेगा। मसूरी में आम आदमी पार्टी के द्वारा 30 कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। आम पार्टी के नेताओं ने महिलाओं को 2022 के विधानसभा के चुनाव में एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जहां जल, जंगल और जमीन का लगातार शोषण किया जा रहा है,
वहीं पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कर्ज में डूब चुका है, बावजूद इसके प्रदेश का विकास नहीं हो सका। आम जनता आप पार्टी के तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि आप सरकार आई तो दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास होगा और आप पार्टी ने प्रदेश में 56 सीटों से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। तमाम लोग यहाँ पर जो है जुड़ने का काम किया है और आम आदमी पार्टी चाहती है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड बनाने में महिलाओं ने सबसे ज्यादा भागीदारी की है तो महिलाओं को सम्मान मिले और महिलाएं आगे आए, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मुझे भी यहाँ पे आमंत्रित किया तो मैं भी पहुंचा। क्या है, गरीबों का कभी ध्यान नहीं दिया इन्होंने, पलायन के विषय पे कभी ध्यान नहीं दिया। आप देखिए यहाँ उत्तराखंड के लोग पलायन हो रहे हैं, जाके दिल्ली में काम करो, वहाँ पर देखिए केजरीवाल की सरकार को देखिए, दिल्ली में उन्होंने विकास का किया। अब लॉकडाउन हुआ तो 5,000 टेम्पू टैक्सी मालिकों को दिया गया है। भ्रमित करने की जो फितरत भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है उसको इस प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है और परख रही है। इस बार 2022 निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का है। जनता जनार्दन के दरबार में आम आदमी पार्टी लगातार अपनी गुहार लगा रही है, लगातार सरकार के जो कुशासन को उन तक ले जा रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। काशीपुर में सैकड़ों किसानों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, साथ ही सभी ने एकजुट होकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और आपके समर्थन में नारेबाजी की। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त होकर किसानों ने आपका दामन थामा है। बीजेपी सरकार किसान विरोधी है, बीजेपी ने किसानों पर कृषि कानून थोपा गया है। वक्त बराबर छोड़ से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 2400 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुँचाने के लिए एक एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया, मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्यवासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। उत्तराखंड सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और उनकी नवजात बालिका शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद लाभकारी है। माँ और नवजात बालिका शिशु की अतिरिक्त देखभाल, पोषक आहार, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। पूरे क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे हों। देश के अंदर पायलट से लेकर, इंजीनियर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, चाहे सरकारी चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हों। महालक्ष्मी किट में राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए सूखे मेवे, गर्म कपड़े, सैनिटरी नैपकिन, कंबल शॉल, साबुन और सरसों का तेल दे रही है। वहीं कन्या शिशु को गर्म कपड़े, चावल, टीकाकरण कार्ड और बेबी साबुन
बेबी ऑयल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य में लैंगिक असमानता को खत्म करते हुए बेटियों के लालन पालन को प्रोत्साहित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी किट पाकर आज महिलाएं भी बेहद खुश और संतुष्ट हैं। बहुत फायदेमंद है और किट में इसमें बच्चे का सामान भी है और हमारे लिए भी बहुत सारे सामान है जो कि हमें यूज में डेली यूज में यूज करना ही होता है बच्चे के लिए, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है। बेटियों के लिए बहुत फायदा है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली है माताओं को और बच्चे के लिए। इसमें नर्सिंग वगैरह और फ्रूट वगैरह जैसे होता है वो सब दिए गए हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत पहली दो बालिकाओं या जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में आज ही पंजीकरण कराएं और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटियों का सुरक्षित और सुनहरा भविष्य संवारें। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हमारी बेटियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास है। बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं। बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाकर ही हम अपने समाज को और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। स्वस्थ हो मातृत्व, सुरक्षित हो बचपन, कुल ज्योति कन्या से रोशन हो जीवन। नमस्कार। उत्तराखंड में कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकट झेल रहे पर्यटन क्षेत्र के 163,000 से अधिक लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया 200 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। पैसों का भुगतान सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में होगा। धामी सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में राहत और प्रोत्साहन के लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज आवंटित किया है। 373,000 से अधिक लोग होंगे सीधे तौर पर लाभान्वित। पैकेज के तहत आशा और आंगनवाड़ी वर्करों को 5 महीने तक 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को 3,000 रुपए और चिकित्सकों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य में चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 140 करोड़ की रकम जारी की गई है। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का खास फोकस। विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी गई है। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए और MBBS इंटर्न चिकित्सकों का स्टाइपेंड 7,500 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। राज्य के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए UPSC, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA और CDS की प्राथमिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी ताकि आगे परीक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत न आए। धामी सरकार के इन फैसलों का राज्यवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। कोविड में माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की वात्सल्य योजना की शुरुआत। योजना के तहत 21 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपए प्रति माह मुफ्त शिक्षा और राशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। सभी जिला अस्पतालों CHC और PHC में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, ICU, वेंटिलेटर और बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। राज्य में तकरीबन 2,000 पीडियाट्रिक ऑक्सीजन बेड, 739 MICU और PICU बेड बच्चों के लिए चिन्हित किए गए हैं। सभी जरूरी दवाइयाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों पर उपलब्ध है। PHC और CHC स्तर पर कोविड टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 30 दिसंबर 2021 तक प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। इस समय उत्तराखंड देश में वैक्सीनेशन के मामले में 5वें नंबर पर है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16,472 लोगों के खाते में भेजी गई पहली किश्त की राशि। उधम सिंह नगर में
250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करके मुख्यमंत्री धामी ने दी विकास को गति। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री धामी ने महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक लगभग 17,000 लाभार्थियों को मिला लाभ। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 2400 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रूपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रूपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रूपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्यवासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। पिथौरागढ़ के बेरीनांग पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज आर्य ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बूथों को मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया। वहीं आम आदमी पार्टी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस दौरान संचालन राजेंद्र बोरा ने किया। निर्धारण किया गया जी, प्रत्येक गांव में अलग अलग बूथ बनाए जाएंगे। बूथ के हिसाब से ग्रामीणों को जितनी भी है टोलियां बनाकर संचालन किया जाएगा और उस हिसाब से प्रत्येक गांव में घर घर में जो हमारी गारंटी कार्ड योजना है माननीय केजरीवाल जी को, उनको घर घर में पहुंचाया जाएगा। रामनगर में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में एक दिवसीय उपवास पर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से प्रदेश में जल्द से जल्द भू कानून लागू करने की मांग की। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि पूर्व सीएम स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने प्रदेश में भू कानून लगाया था, जिसमें प्रदेश से बाहर के व्यक्ति केवल उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर की जमीन ही खरीद सकते थे, लेकिन पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस कानून को बदल दिया, जिसके बाद बाहर का कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में आकर जितनी चाहे उतनी जमीन खरीद सकता है। तो आज हम यहाँ पे एक दिवसीय धरने में बैठे हैं। हमारी मांग है कि उत्तराखंड में जो सख्त भू कानून पहले लागू किया गया था, उस भू कानून को दोबारा से यहाँ पर लागू किया जाए। यदि आज हमारी मांग को हम पंचायत प्रतिनिधि और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं, हमारी मांग को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मानती है तो निश्चित रूप से हम जनता के साथ मिलकर आंदोलन करने को बाध्य हैं। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।